हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो चावल, आधा किलो मटर, 2 से 3 चम्मच ऑयल, 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, 2 मीडियम साइज टमाटर, बारीक कटी हुई अदरक, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला। गरम मसाले में हमने लिया है जीरा, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी और नमक स्वाद अनुसार। पहले हम प्रेशर कुकर में तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद अब हम इसके अंदर गरम मसाले डालेंगे। मिक्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे चलाते रहना है क्योंकि हो सकता है कि लहसुन अदरक का पेस्ट नीचे चिपकने लगे। इसे जब तक हमें चलाना है जब तक लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल ना निकल जाए। थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा, लाइट ब्राउन। इसे मिक्स करेंगे, फिर से चलाते रहना है कि कहीं ये नीचे चिपक नहीं जाए। फिर हम इसके अंदर मटर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीजें। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप पानी। पानी हमें ज्यादा नहीं डालना क्योंकि सिर्फ इस वक्त हमें सिर्फ मटर को सॉफ्ट करना है, तो 1/2 कप पानी काफी है। इसके बाद हम डालेंगे नमक। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसे ढककर रख देंगे ताकि हमारी मटर सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम चावल डालेंगे। और 100 ml पानी। सारी चीजें अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी बस हमें इतना लेना है कि चावल उसके अंदर डूबे रहें। ज्यादा पानी लेंगे तो चावल हमें खिले खिले नहीं मिलेंगे, तो बस पानी कम ही रखना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कुकर प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे 5 से 7-8 मिनट तक। फिर हम प्रेशर कुकर खोल के चेक करेंगे कि हमारे चावल गल गया है या नहीं। जैसे मैं अब चेक करने जा रही हूँ, चावल गल चुका है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी जर्दे का रंग। ये जर्दे का रंग ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं।
और इसके बाद ढक्कन लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट तक। और देखिए हमारा शानदार मटर पुलाव तैयार।